ओ भाई यार, 10:30 बजे इतना ज्यादा धूप हो रखा है यार। मतलब क्या हो रखा है आजकल। ओ आईफोन आईफोन कैसा कैसा आमा, ओ आईफोन 14 प्रो मैक्स। हेलो, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल के थक गए। मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मक्का सक्का ऐसे दिन में है ना, सूखा जाता है पत्ता। यार क्या हो रखा है पता नहीं आजकल मौसम, यार समझ में नहीं आ रहा। आगे अभी पानी नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो अनाज के लिए, जो खास करके वो मक्का है ना, मक्का के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, ऐसे सूखा पड़ी है मक्का। हे भगवान, पानी बरसा दो जल्दी जल्दी ताकि सबका मक्का अच्छा हो, अनाज अच्छा हो जाए सबका। यार सबको बहुत, अभी सबको क्या है, यहाँ बारिश का बहुत सख्त ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सबको, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। भगवान आपकी लीला। तो मैं जैसे आया ना, सोनी का बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। उसको क्या हुई थी, ये बुखार 105 डिग्री सेल्सियस तक आया था, बहुत अचानक से बोला था। अब उसके बाद खांसी आई थी, उसको सर दर्द हो रहा था, ये उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ से क्या कर रहा था, फ्लूटिंग कर रहा था। तो इस कारण से भी है ना, मैं आते ही, तो अभी तक 5:30 बजे वॉलीबॉल खेलने जा रहा हूँ, है ना। उस टाइम में आते ही लगभग कितने बजे आया था, 11:30 बजे आया था। लगभग सोनी का बहुत देर तक हॉस्पिटल रखा, उसके बाद थोड़ा बहुत घर में आकर गैस थोड़ा बहुत रिफिल करना था, गैस को उसे रिफिल कर लिया, थोड़ा बहुत घर में काम था वो काम कर लिया। अभी थोड़ा बहुत फ्री हो रखा हूँ। सोनी का को तो बहुत ज़्यादा लिटरली हो रहा, अभी बहुत ज़्यादा घूम रही है उसको, वो है ना क्या पानी बोलते, वो पानी चढ़ा दिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेके आया सोनिका को। तब अभी जाकर थोड़ा बहुत क्या करे, वो थोड़ा फ्रेश फील हो रखी। पहले से सुबह में आते क्या ही लग रही थी, वो ऐसा लग रहा था ना बहुत अंदर से, बहुत वो लगता है यार। ठीक है, अभी वो छोड़ो, अब जाके वॉलीबॉल खेल लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद आके थोड़ा बहुत फ्रेशनेस हो जाते हैं। ठीक है लाइट्स गाइस, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ी देर मैंने फुटबॉल खेल लिया। हाय ब्रो, ओ आईफोन आईफोन कैसा कैसा आमा, ओ आईफोन 14 प्रो मैक्स। हेलो, तिमीलाई आइफोन छ, देखाऊ देखाऊ देखाऊ, आइफोन 13 प्रो म्याक्स हो कि 14 प्रो म्याक्स होला, होइन होइन, खोइ देखाऊ देखाऊ तिम्रो। नाइस नाइस, ओ भेरी गुड भेरी गुड। ओके अलराइट, अब फुटबल भलिबल खेल के थके, तो पसिना काफी निकाल लिया। अब फाइनली यहाँ से हम निकल लेते हैं ये ग्राउंड में, और यहाँ ग्राउंड से वो करते हैं। ठीक है, इसका एक बार स्लो मोशन दिखाएं क्या? ओ भाई, ओ बिना जाली टच करके मारोगे? हाँ श्योर, चलो इसका एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, स्लो मोशन में एक बार कैसा मारता है शॉट में। जस्ट क्या है, हेयर कटिंग कर दिया मैंने हेयर कटिंग कर दिया था, तो वो कहीं लेके नहीं गया बार शॉप में, तो ऐसे में घर में काट दिया। उसके बाद अभी उसको नहा ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम और एक जगह में जाने का प्लानिंग है, पूरा यहाँ पर हमारा फैमिली जाने का प्लानिंग है, तो जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत जहाँ पर पूजा वगैरह वगैरह हुआ था तो वहाँ जाना है, और उसके बाद फिर वापस आना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या थोड़ा बहुत घास वास देखते हैं क्या कर। मम्मी मम्मी, क्या घास काटनी हो? हाँ, ये भी जा रही
गाइस अभी यहाँ पर सोनिश को मालिश चल रहा है, ठीक है, तो काफी अच्छी तरह से मालिश चल रहा है, मान रहा है बेबी, है ना। हेलो सोनिश, हाय बेबी, हेलो, हाय, कितना अच्छा लग रहा होगा ना। इसको बाल भी काट दिया आज गाइस, बहुत रो गया, रोया था तो काट दिया बाल भी। अब जैसे धूप लग गए ना, हेलो हेलो हेलो, जैसे धूप लगे अब मक्का क्या है ऐसा, इसका पत्ता है ना ऐसा एकदम एकदम किसी अच्छी तरह से खिल रहा है ना। अभी जैसे धूप 12 एक बजे की तरफ है ना, धूप धूप के कारण से क्या होता पता है, ऐसे सिकुड़ जाता है इसका पत्ता। मतलब धूप भी इतना ज़्यादा हो गया है ना, धूप के कारण से भी क्या हो रखा है पूरा, मतलब अनाज को तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, बहुत ज़्यादा ही वो कर रहा है यार, ये ख़राब कर दे रहा है अनाज को। ऐसा है नहीं चलेगा यार, प्रकृति की लीला तो है, लेकिन यार अभी अनाज है तो थोड़ा होना चाहिए बारिश यार, बारिश तो बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा है। कल भी होने वाला था, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बताश लग रहा था थोड़ा बहुत उसमें, तो लास्ट में ऐसे ही टरका दिया, हो ही नहीं रहा है। तो अभी घास काटने आया, ठीक है, हम कहते हैं तो हमको गाय बकरों को पला हुआ उनको भी काट देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ये थोड़ा बहुत एक दो घास काट देते हैं और उसके बाद आज आपने मेरे मम्मी के मायके यानी कि मेरे मामा के घर में आज जाने वाला है, ठीक है, मामा के घर में जाने वाला, तो उससे पहले थोड़ा बहुत घास काट के बकरों को रेडी करना पड़ेगा। ये वाला घास इसको बोलते हैं, इपिली भी बोलते हैं, इसको घास काट देते हैं। फिर शाम के लिए अलग और घास काटने भी जाना है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना, ताकि हम जाके आएंगे ना वहाँ पर तो मेरे मामा के घर में, तब तक के लिए क्या होगा ऐसे इतना घास तो पहुँच जाएगा, इजीली पहुँच जाएगा, उसके बाद जो भी है देखते हैं, ठीक है, आके काटते हैं और इनको पहुँचा देते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बकरा नहीं ज़्यादा नहीं, क्या 5-6 एक दो तीन चार पाँच छः बकरा है, छोटा छोटा लगा के, तो इनके लिए है। ओके आ गया।